हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल सम्राट द अड्डा। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि एसएससी सीजीएल के लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है 2022 के लिए। एसएससी सीजीएल कट ऑफ 2022 के लिए क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ जो हमारे सबसे महान टीचर हैं कुछ उन्होंने बताया है, और जो पेपर दे के आ रहे हैं और पेपर मैंने दिया उसके बारे में बताऊंगा आपको, कैसे मतलब कितना कितना कट ऑफ जा सकता है, पेपर का लेवल क्या है, ये कैसे कैसे होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे मेन बात ये है कि एससीजीएल की कट ऑफ का सबसे जाने का सब मेन मेन जरिया है वो है उसकी कितनी। ये सी जी है सिर्फ तीन तीन बातों पर निर्भर करता है कि कट ऑफ कम या ज़्यादा कैसे है। सबसे पहले बात वैकेंसी कितनी है और अटेंडेंस कितनी है, और उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है नॉर्मलाइजेशन कितना रहा है। सबसे मेन बात ही अगर ये इन तीनों के पर तीनों के आधार पर ही सीजीएल की कट ऑफ तय करेगी कितना जाने वाली है। तो पिछली साल की अपेक्षा पिछली साल भी लगभग जो कट ऑफ गई थी वे ज़्यादा गई थी, और उससे पिछले साल कम गई थी। तो ये वैकेंसी के ऊपर होता है और कितने स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसके ऊपर कट ऑफ तय की जाती है। तो सबसे जब तो इसमें जो है वैकेंसी अब की बार हमारे पास लगभग 37 कितनी है 37,000 प्लस अप्रॉक्स इतनी वैकेंसी हैं। और इस समय जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें अभी कह नहीं सकते कितना होने वाला है, अटेंडेंस कितनी है ये तो एग्ज़ाम के ख़त्म होने के बाद तब पता पड़ेगा कितना अटेंडेंस है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद पता पड़ेगा वाला है कितना है। लेकिन सीधी बात यह है कि अब की बार भर्ती का लेवल काफ़ी अच्छा है, 37,000 प्लस भर्ती है। तो नॉर्मलाइजेशन का सीन यही रहने वाला है कि और 2 से 3 नंबर इतना ही होगा। अगर पेपर सभी के समथिंग बहुत किसी तो इजी टू मॉडरेट, ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। आज का जो सीजीएल का जो लास्ट शिफ्ट जो थी थर्ड शिफ्ट थी, उस शिफ्ट में मैथ के क्वेश्चन इतनी समथिंग मतलब इजी आ रहे थे, इतने लॉन्ग वाले या फिर मल्टीपल ज़्यादा कैलकुलेशन वाले ऐसे नहीं थे, मतलब बहुत अच्छा वो था। तो मैथ लेवल सही आ रहा है एकदम, और पूरे मैथ इंग्लिश जीएस सभी का लेवल एकदम बढ़िया है। तो इस कारण से आपकी कट ऑफ अगर प्री की बात की जाए, अगर प्री क्वालिफाई करना है तो अगर आपके 120 प्लस आ रहे हैं मार्क तो आप आराम से प्री के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, अगर आप इतना मार्क्स बन रहे हैं तो ज़्यादा, और क्योंकि भर्ती काफ़ी ज़्यादा है तो कट ऑफ यहाँ पर किसी भी कैटेगरी वाइज अभी क्लियर नहीं की जा सकती कि नॉर्मल से कितना बोला है, लेकिन फिर भी हो सकता है। तो अगर 120 प्लस मार्क्स आपके आ रहे हैं किसी भी कैटेगरी से वो 120 मार्क्स आ रहे हैं तो आपका प्री में एक तुम्हारा अच्छा चांस रहेगा। तो आप अगर आपका पेपर हो चुका है, आपका पेपर अगर 65-70 बन रहा है तो आप मेंस के लिए एकदम तैयार रहें, मेंस के लिए आपके एकदम होने वाला है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का जो कट ऑफ जो आपके अगर 120 प्लस मार्क्स आ रहे हैं प्री के लिए तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। आपको पता होगा कि आपने कितना कैसे कैसे किया करा है। दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना, और आगे के बारे में और जैसे जैसे पेपर होता रहेगा मैं आपको और सूचना देता रहूँगा कितने कितने क्या होने वाला है। और हमारे जो आदित्य रंजन सर ने उन्होंने भी बताया, उनका भी 121 और 125 प्लस बताया, इतने मार्क्स अगर उन्होंने अर्जित करता है कोई बच्चा तो प्री क्वालिफाई कर जाएगा।
तो वो एक्साइज इंस्पेक्टर हैं, वो उन्हें और अच्छी जानकारी है, तो उन्हीं के आधार पर बता रहा हूँ मैं। तो लगभग अगर इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं तो आप क्लियर कर जाओगे।